ओके सो हाय गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। एंड गाइस हमेशा की तरह आज भी हम इस फोटो को पिक्सआर्ट के अंदर ही एडिट करेंगे एंड लाइटरूम में रिटचिंग। तो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने हिम्मत सिंह का ये वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा तो गाइस जल्दी से जाकर देख लो, मैंने आप सभी के लिए अभी रिसेंटली ये वीडियो अपलोड करी थी तो ये वीडियो जाकर जरूर देखना अगर जिस भाई ने नहीं देखी है। बाकी गाइस चलिए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले करना है गाइज आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी को। देन गाइज आपको जाना है ऐड फोटो मैन का, जहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। एंड गाइज मॉडल को ऐड करना है एंड गाइज कुछ पोज वगैरह जो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे क्लिक करवा लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज आपको मॉडल को कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स से साइज रखना अपने मॉडल का। एंड गाइज ये चीज़ ध्यान रखना जो आपको लाइनिंग वगैरह दिख रही है गाइज जो जिसको हम रोप के लिए यूज़ करेंगे, तो गाइज आपको उसी हिसाब से आपको अपने मॉडल को रखना है। देन गाइज यहाँ पे आपको फिर जाना ऐड फोटो में, डन नहीं करना है, ठीक है गाइज। अभी आपको जाना ऐड फोटो में, ब्लैक कलर की शीट लेनी है एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है। एंड रेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको उसको मूव बैक कर देना है, फिर रेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट कर देना है, ब्रश लेना है एंड उसके बाद साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। गाइस फोटो को जूम करना है एंड आपको अपने पैरों के नीचे आपको शेडो क्रिएट करनी है कुछ इस टाइप से जैसे गाइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप हम साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस आपको कुछ इस टाइप से ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरीके से एंड जो आपकी शेडो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ पे गाइस ओपेसिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लेना आप सभी को, अराउंड 70 कुछ रख लेना है। एंड इतना करने के बाद अब गाइस आप यहाँ पे डन कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज आप सभी को जो यहाँ पे गाइज अपने हाथों पे जो है गाइज वो रोप बनानी है, ठीक है। वो कैसे बनाना है गाइज आपको यहाँ पे यूज़ करना है ड्रॉ टूल का, ड्रॉ टूल में जाना है गाइज आपको अपनी फोटो को लेके। एंड उसके बाद गाइज आपको जाना पे ब्रश में क्लिक करना है एंड उसके बाद गाइज जो उसका ब्रश का साइज होगा आपको रखना है एकदम 1 तक। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड गाइज फोटो को जूम करने के बाद आपको गाइज कुछ इस टाइप से ऐसे मिलाकर आपको ऐसे रोप का क्रिएट करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद गाइज आपको ऐसे ये कर देना है कि जो है रोप में ऐसे करके जो गांठ बंधी हुई है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से। एंड आपको ऐसे बनाना है एंड आप आपको फटाफट कर लेना है। एंड जब आप ये कर लोगे तो गाइज उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है गाइज वो मैं बता देता हूँ आप सभी को, पहले जब तक हम इसको कर लेते हैं। ओके गाइस तो यहाँ पर तक हमारा जो इतना बन चुका है, ठीक है, तो अब गाइस यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। अब गाइस इतना करने के बाद आपको अब नीचे ऐड करना है स्मोक, तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम सिंपली ऐड फोटो से स्मोक को ऐड कर लेंगे एंड इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आपको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स से नीचे की तरफ रख देना है एंड इतना गाइस परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे हमारा पिक्सआर्ट का सारा काम खत्म हो जाता है, तो अब हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे क्योंकि गाइस अब हम यहाँ पे रिटच करनी है जो कि जिसमें करते हैं लाइटरूम ऐप में, तो अब इसको लाइटरूम ऐप में ओपन कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे लाइटरूम ऐप में लाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस सबसे पहले तो यहाँ से चले जाना है आपको लाइट वाला ऑप्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है एंड उसके बाद गाइस आपको जो ये हाईलाइट है आपको इसको गाइस थोड़ा सा यहाँ पे माइनस की तरफ कर देना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको शेडो मिलेगा गाइस आपको शेडो जो है आपको इंक्रीज कर देना है थोड़ा सा एंड यहाँ पे व्हाइट मिलेगा गाइस आपको थोड़ा सा व्हाइट को यहाँ पे माइनस की तरफ रख देना है एंड जो यहाँ पे कि ब्लैक है इसको भी थोड़ा कम कर देना है। फिर आपको गाइस यहाँ से जाना कलर्स वाले ऑप्शन में, आपको इसकी थोड़ी वाइब्रेशन बढ़ा देनी है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देना ताकि फोटो में जो ब्लू टोन आ जाए। देन गाइस जितना करने के बाद आपको मिक्स टूल में जाना, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस आपको इंक्रीज करना है अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन गाइस आपको रेड कलर में जाना, आपको अपनी टी शर्ट की कलर जो अगर आपके रेड हो तो आप उसका ह्यू चेंज कर सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद आपको जाना है येलो कलर में, आपको उसका ह्यू माइनस करना है, थोड़ा सैचुरेशन माइनस कर देना है। फिर आपको डार्क ब्लू में जाना, आपको उसका ह्यू चेंज कर सकते हो, जैसे कि स्काई में ह्यू चेंज हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो। एंड उसके बाद इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है। अब गाइस यहाँ से जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस फोटो में विग्नेटो का वो डाल देना है। फिर गाइस नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको भी मिलेगा ग्रे माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद गाइस जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस जो नोट रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है एंड उसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हो जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं गाइस आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।